₹2 में क्या होने वाला, ₹2.5 में कुछ फिलहाल चल रहा भी नहीं है, कम से कम ₹10 तो कम होना चाहिए। ₹10 डीजल तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार कुछ करने, सरकार तो खुद अपना देख रही है, जनता का तो कुछ देख रही नहीं है, सरकार खुद का चल रहा है उनका खाली, जो गरीब है वो पेट्रोल क्या देखेंगे, डीजल क्या भरेंगे, क्या काम करते क्या डालेंगे पैसा उसमें, क्या कमाएंगे। अब मेरा तो ये मानना है कि सरकार ने जिस तरह से ₹2.5 अभी घटाने की बात कर रही है, जब घटेगा तो देखा जाएगा। बहरहाल ₹20-25 जब से बढ़ गया है, अगर उसमें ₹2 घटा देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें जनता की कोई भलाई वो कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ाने का तो काफ़ी बढ़ा दिया है, और अभी अगर ₹2 कम करते हैं तो इससे कोई जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार ये ₹2 कम करके मतलब पब्लिक को खाली बेवकूफ़ बना रही है। सरकार ने GST में लाने की बात की थी, तो GST में क्यों नहीं ला रही है पेट्रोल और डीजल? GST में लाने से जनता को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, और ये ₹2-2.5 खाली कम करके सिर्फ पब्लिक को लॉलीपॉप दिया जा रहा है इलेक्शन की वजह से। इसके लिए सरकार पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन ₹5 बढ़ा के ₹2.5 कम करना, अब आप कुछ समझदार है? आपको लगता है और कम होना चाहिए? और कम होना चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं है मैम, ये 2 दिन बाद फिर बढ़ जाने, इसका कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं इस चीज़ का।